हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में जिस तरह से आपको यूजीसी नेट एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी तरह पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आपके एग्जाम के मद्देनजर दो पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये पीडीएफ नियर अबाउट आपके सिलेबस को रिवाइज कर देंगे। पहले पीडीएफ में आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे और दूसरे पीडीएफ में यूनिट वाइज क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों पीडीएफ को जो आपने से जो भी हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? पहला ऑप्शन है 1000 ता 1500 ईस्वी, दूसरा है 500 ता 2000 ईस्वी, तीसरा है 500 ता 1500 ईस्वी और चौथा है 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। तो याद रखेंगे, हिंद आर्याई जुबान के तीन अदवार हैं। कितने अदवार हैं? तीन अदवार हैं, नोट कर लीजिएगा। नंबर एक आपका है कदीम हिंद आर्याई, नंबर दो आपका है वस्ती हिंद आर्याई और नंबर तीन आपका है जदीद हिंद आर्याई। ये जो अदवार है कब से कब तक माने जाते हैं, कब से कब तक मुहित है, तो कदीम हिंद आर्याई के बारे में नोट कीजिएगा, 1500 कबले मसीह ता 500 कबले मसीह। वस्ती हिंद आर्याई के बारे में नोट कीजिएगा, 500 कबले मसीह ता 1000 ईस्वी का जमाना। जदीद हिंद आर्याई के बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दूसरे बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा है, वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। नंबर तीन, प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। नंबर फोर है, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ तीसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं बल्कि प्राकृत कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? वस्ती हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि क्या कहते हैं? पाली कहते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीने में कवायद तरतीब दिए नहीं महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माहरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथा है 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है, यानी 5। प्राकृत के माना है फितरी जुबान के। अब ये 5 किस्में कौन कौन सी हैं आप नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्री, आप नोट कीजिएगा महाराष्ट्री, इसी के साथ साथ में शोरसीनी, शोरसीनी के साथ में नंबर तीन पे लिखेंगे मगधी और नंबर फोर पे लिखेंगे अर्ध मगधी और नंबर फाइव आप नोट कीजिएगा पेशाची, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। लहंदा मगरबी पंजाब की जुबान है, मराठी जो जुनूबी हिंदुस्तान की जदीद आर्याई जुबान से उसे शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। नंबर फोर, ब्रज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोशिनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है।
सही जवाब की निशानदही कीजिए। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दिए गए सभी बयानात क्या हैं, दुरुस्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 8 और चौथा है 11। तो आप में से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 3। 3 बोलियां शामिल हैं, कौन कौन सी हैं आप नोट कर लीजिएगा। अवधी नंबर 1 लिखेंगे, अवधी, उसके बाद में लिखेगा बघेली, और बघेली के साथ नोट कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ी, नोट कर लीजिएगा बघेली के साथ में छत्तीसगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान इर्तिका नज्म की नहीं बल्कि गजल की एक खसूसियत है। दूसरा है पाबंद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है। नंबर 3 आजाद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। नंबर 4 बिला काफिया नज्म को नज्म मुहर्रा कहते हैं। नंबर 4 उर्दू में नज्म मुहर्रा अरबी अदब से आई है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, नोट कर लीजिए। नज्म जो है अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना होते हैं मोती पिरोना, नोट कर लेंगे। पांचवे में कहा जा रहा है कि उर्दू में नज्म मुहर्रा अरबी अदब से आई है, तो नज्म मुहर्रा जो है अंग्रेजी अदब से आई है जिसे इंग्लिश में ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। नज्में दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से 2 जुमरे हैं जो कि सही हैं, वो आपको अपने समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। पहले जुमरे में मुफलिसी है, आदमी नामा है, बंजारा नामा, ये तीनों ही नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। निशाते उम्मीद, बरखारुत, मुनाजाते बेवा, ये नज़में हैं मौलाना हाली की, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। तिल के लड्डू किसकी नज्म है, तो नज़ीर अकबर आबादी की। बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी। सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऐसे हुब वतन किसकी नज्म है, चकबस की है। जमजम कैसरी किसकी नज्म है, तो ये मौलाना हाली की है। शब कद्र किसकी नज्म है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सवाल का जवाब आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में गिरदाब है, तारीख सयारा है, सब रंग हैं, आबे जो याद है, ये शेरी मजमुए हैं, किस शायर के शेरी मजमुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अख्तरुल ईमान, नोट कर लीजिएगा। चौथे में देखेंगे, चौथे जुमरे में जो शेरी मजमुए दिए गए ये भी किस शायर के हैं, तो ये भी अख्तरुल ईमान के हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए सुरुदो खुरूश जो है ये किसका शेरी मजमुआ है, जोश मलिहाबादी का। सुमुम व सबा किसका है, तो ये भी जोश मलिहाबादी का है। इलाम व अफकार किसका है, जोश मलिहाबादी का है। ईरान में अजनबी, ईरान में अजनबी किसका है, नून मीम राशिद का है, नून मीम राशिद का। रामिशो रंग जोश मलिहाबादी का है। सुम्बुलो सलासिल जोश मलिहाबादी का है। सैफो सुबू जोश मलिहाबादी का है। ऐसे नजूम जवाहिर जोश मलिहाबादी का है। ला इंसान किसका है, तो ला बराबर इंसान जो है ये नून मीम राशिद का है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे मावरा किसका है, देखिए मावरा भी किसका है, नून मीम राशिद का है, आप सब नोट कर सकते हैं। अख्तरुल ईमान की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, चलिए बता दीजिएगा। इसी के साथ साथ में नून मीम राशिद की सन विलादत सन वफात के बारे में, और उसके बाद में
जोश वलीहाबादी की सन विलादत और सन वफात के बारे में। तो अख्तरुल ईमान के बारे में नोट कीजिएगा, 1915 ईस्वी में बिजनौर में पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नून नून राशिद के बारे में नोट कीजिए, 1910 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। जोश वलीहाबादी शब्बीर हसन खां 1896 में बलीहाबाद लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अख्तरुल ईमान की दाखिले निसाब नज़में यानी एक लड़का और पगडंडी ज़ेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है। पहला ऑप्शन है यादें, दूसरा है बिनते लम्हात, तीसरा है गर्दाब और चौथा है सबरंग। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी यादें। ज़ेल की कौन सी नज़में किस मजमूए कलाम में शामिल है, जोड़िए शाय उम्मीद, सुबह आज़ादी, बाजामद, हुस्न कोज़ागर अव्वल, खाके हिंद। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से चीज़ें आपको लर्न होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शाय उम्मीद किस मजमूए कलाम में शामिल है, तो जवाब हो जाएगा ज़रबे कलील। सुबह आज़ादी किस में शामिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा बिनते लम्हात, नोट कर लीजिएगा। सॉरी बिनते लम्हात नहीं होगा बल्कि दस्ते सबा, करेक्ट कर लीजिएगा दस्ते सबा। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद में है बाज आमद, तो बाज आमद किस में है, तो बाज आमद हो जाएगा बिनते लम्हात में, नोट कर लीजिएगा। हुस्न कोज़ागर ये हो जाएगा ला बराबर इंसान में, खाके हिंद हो जाएगा सुबह वतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद वली, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है मोहम्मद तकी और चौथा है वली मोहम्मद। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नज़ीर के बारे में नोट कीजिएगा, 1740 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई, नहीं भाई दिल्ली में पैदाइश हुई है, इसलिए मैं इस पर इम्फेसाइज कर रहा हूँ, दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें गालिब नहीं अब खालिद जांबाज का रंग, दिल पे गालिब है फकत हाफिज शिराज कर, ये शेर किसका है। पहला ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, दूसरा है मिर्जा गालिब, तीसरा है जोश मलिहाबादी और चौथे ऑप्शन में है इस्माइल मेरठी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का नाम है अकबर हुसैन। तो चलिए बता दीजिए अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। और अकबर के ताल्लुक से एक स्टेटमेंट है, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका बयान है। तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, अकबर की पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में, इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है तफजुल हुसैन, नोट कर लीजिएगा। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। ब्रिज नारायण चकबस का है, मखदूम मुहीउद्दीन का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है या फिर सुरूर जहां आबादी का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी ब्रिज नारायण चकबस, पंडित ब्रिज नारायण चकबस। तो चलिए चकबस के बारे में नोट कर लीजिए, सबसे पहले चीज़ आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है, आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है। तो पहली चीज़ आप नोट कीजिएगा, 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिश के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। आपके वालिद का नाम है उदित नारायण चकबस, उदित नारायण चकबस, नोट कर लीजिएगा। आपने एक माहनामा जारी किया था सुबह उम्मीद के नाम से, तो आपको याद रखना है कि सुबह उम्मीद किसने माहनामा जारी किया था, 1918 में चकबस ने। शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें आपको याद रखना है सुबह वतन, इसी के साथ साथ में
जलवे शुभ के साथ साथ में अगले लोग, ये आपके अहम शहरी मजमुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सनाउल्ला किस शायर का असल नाम है? नोन नेम राशिद का है, मीरा जी का है, अख्तरुल ईमान का है या फिर जान निसार अख्तर का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। मीरा जी का नाम क्या है? सनाउल्ला, नोट कर लीजिएगा। चलिए मीरा जी के बारे में मुझे बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में आपके शेरी मजमुओं के नाम भी बताइएगा। तो पहली चीज, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पाबंद नज़में तीन रंगे, ये आपके अहम शेरी मजमुए हैं। पाबंद नज़में और साथ ही साथ में तीन रंग, ये अहम शेरी मजमुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुरुस्त जोड़ के निशानदही कीजिए। मैदान अमल, मसरत से बसीरत तक, गुरेज, सुर्ख, सवेरा। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। सुर्ख सवेरा शायरी है। सुर्ख सवेरा जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहियुद्दीन। चलिए गुरेज जो है नज्म है, गुरेज नज्म है, किसकी नज्म है? साहिर लुधियानवी की। मसरत से बसीरत तक ये किताब है, किसकी किताब है? आला अहमद सुरूर की। तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। मैदान अमल नावल है, किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का नावल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जेल में से कौन कब पैदा हुआ जोड़ी? सौदा है, जौक है, मीर हसन है, दयाशंकर नसीम है। अब में से जो लोग रेगुलर क्लास वॉच कर रहे हैं आसानी से जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सौदा की पैदाइश कब हुई है? तो 1712 ईस्वी में हुई है। दौ की पैदाइश 1789 में, मीर हसन की पैदाइश 1737 में, और दयाशंकर नसीम की 1811 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़िल में दास्तानों के सन तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का, सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस, उसके बाद में करबल कथा, बोस्तान ख्याल, बागो बहार, रानी कैतकी की कहानी और फसाने अजायब। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सबरस कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है सभी को। करबल कथा कब लिखी गई है? 1732-33 ईस्वी में। बोस्तान ख्याल कब लिखी गई है? 1757-58 में, नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया। बागो बहार कब लिखी गई है? तो बागो बहार लिखी गई है 1801-1802। रानी कैतकी की कहानी 1803 और फसाने अजायब 1824, नोट कर लीजिएगा 1824। यहाँ पर रानी कैती कहानी पहले होना चाहिए और बागो बहार बाद में सने तसनीफ के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, इंशाउल्ला खान सआदत अली खान के ज़माने में लखनऊ गए थे। इंशाउल्ला खान आसिफुद्दौला के मुसाहिब थे। नंबर तीन, इंशाउल्ला खान सआदत अली खान के मुसाहिब थे। नंबर चार, इंशाउल्ला खान आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। नंबर पाँच, इंशाउल्ला खान ने दरियाए लताफत सआदत अली खान की फरमाइश पर मिर्ज़ा कतील के साथ मिलकर मुकम्मल की थी। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया सभी को। इंशाउल्ला खां की पैदाइश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंशाउल्ला खां इंशा की जो विलादत हुई है 1752 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। इंद्रसभा है, यहूदी की लड़की है, अनारकली है, आगरा बाजार है
और ड्रामा जहाक है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इंद्रसभा ड्रामा कब लिखा गया है, तो ये 1852 ईस्वी में। यहूदी की लड़की कब लिखा गया, 1910-11 की दरमियानी मुद्दत में। अनारकली ड्रामा कब लिखा गया है, तो ये 1922 में। आगरा बाजार कब लिखा गया है, तो नोट कीजिएगा 1954 में। जहाक कब लिखा गया है, 1977 में, नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में कौन कब पैदा हुआ जोड़िए। मीर अमन है, रजब अली बेग सरूर है, इंशाउल्लाह खान इंशा है, अमानत लखनवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी मीर अमन देहलवी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1732 ईस्वी में। ऐसे रजब अली बेग सरूर की पैदाइश 1786 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। इंशाउल्लाह खान इंशा की 1752 ईस्वी में। अमानत लखनवी की 1815 ईस्वी में। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है, मोहम्मद हसन, मसूद हुसैन खां, इब्राहिम यूसुफ या फिर मसूद हसन रिजवी अदीब। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। नॉवेल का जुमरा है, अफसाने का जुमरा है, ड्रामे का एक जुमरा दिया गया है और इशाइये का एक जुमरा आपके सामने है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा। फुटपाथ के शहजादे ये किसका ड्रामा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। असीरे हिस्स किसका ड्रामा है, आगश काश्मीरी का। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर का। हम वहशी हैं ये अफसानवी मजमुआ है कृष्णचंद का। फायर एरिया नॉवल है इलियास अहमद गदी का। जहाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। बात करते हैं बाज़ अहमद, नज्म है अख्तरुल ईमान की। अला अफसाना है सुहेल अजीमाबादी का। और इसी के साथ साथ में रास्ता बंद है जीलानी बानो का, नोट कर लीजिएगा रास्ता बंद है जीलानी बानो। शामत आमाल किसका इंशाइया है, तो शामत आमाल किसका है, अहमद जमाल पाशा का, नोट कर लीजिएगा आप सब। ऐसी रोशनी किसका है, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। जुनून लतीफ़ा जो है इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का है, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रामा इंद्रसभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है, पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी या फिर लाल परी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सब्ज परी। इंद्रसभा याद रखेंगे एक मंजूम ड्रामा है। ये ड्रामा अमानत लखनवी कब लिखा है, तो 1852 ईस्वी में आपने ये ड्रामा लिखा है, इस बात को आप याद रखेंगे। किसकी फरमाइश पर लिखा है, तो मिर्ज़ा आबिद अली इबादत, नाम नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर वाजिद अली शाह के हैत में ये ड्रामा आपने लिखा है। पहली बार ये ड्रामा स्टेज पर कब पेश किया गया, तो याद रखेंगे 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, तो किरदारों की बात की जाए तो 8 किरदार इस ड्रामे में हैं। 4 परियां हैं, सब्ज परी, लाल परी, पुखराश परी, नीलम परी। राजा इंद्र और शहजादा गुलफाम दो देव हैं, लाल देव और काला देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है फसाने अजायब में जाने आलम तब्दील रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में हलूल करता है, हिरन, बंदर, शेर, हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बंदर, नोट कर लीजिएगा। फसाने अजायब की मुसन्निफ कौन है, रजब अली बेग सरूर। ये दास्तान आपने कब लिखी, किसकी फरमाइश पर लिखी, पहली एशाद कब अमल में आई है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहली चीज़, दास्तान लिखी गई है 1824 ईस्वी में, किसकी फरमाइश पर, नोट कीजिएगा, हकीम असद अली खां, नाम नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली खां। इसकी पहली एशात अमल में आई है 1843 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी। फसाने अजायब जो है लखनऊ
के बारे में है, यानी लखनऊ की तहजीब व माशरत की आयनादार है और ये दास्तान लिखी गई है दरअसल कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाग बहार का वह कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे। दूसरे दरवेश की सैर, चौथे दरवेश की सैर, पहले दरवेश की सैर, बादशाह आजाद बख्त की सरगुजश्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बादशाह आजाद बख्त की सरगुजश्त। जिल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलम जद कीजिए। इंतजार हुसैन ने नावल बस्ती पर आदम जी अदबी इनाम लेने से इनकार कर दिया था। नंबर दो, नावल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। नंबर तीन, नावल बस्ती का मौजू जिला वतनी है। नंबर फोर, नावल बस्ती के बेशतर किरदार शिराज होटल से ताल्लुक रखते हैं। नंबर फाइव, नावल बस्ती के मरकजी किरदार जाकिर में इंतजार हुसैन का अक्स देखा जा सकता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, नावल बस्ती जो है इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1980 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई है। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सही बयानात की निशानदही नहीं बल्कि गलत बयान की निशानदही करनी है। नावल तौबत-उन-नुसूह का नाम कुरान करीम से अख्ज किया गया है। नंबर दो, नावल तौबत-उन-नुसूह का मरकजी ख्याल डेनियल डिफो के नावल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। नंबर तीन, नावल तौबत-उन-नुसूह की कहानी का महवर तरबियत औलाद है। नंबर चार, नावल तौबत-उन-नुसूह का मौजू लखनवी तहजीब और मुआशरत है। नंबर पाँच, नावल तौबत-उन-नुसूह में नुसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को देखता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चौथा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा भी जुमरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, यानी ये दोनों जुमरे रॉन्ग हैं, गलत हैं। तौबत-उन-नुसूह का मौजू लखनऊ की तहजीब और मुआशरत नहीं है बल्कि तरबियत औलाद है। नावल तौबत-उन-नुसूह में नुसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे नहीं बल्कि अपने बाप, नोट कर लीजिएगा, अपने बाप को देखता है, सही कर लीजिए। तौबत-उन-नुसूह नावल जो है कब लिखा गया है, 1874 में ये नावल अमल में आया है। इस नावल में 12 फसलें हैं, आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है अजीम बिर चौगताई इसमत के छोटे भाई थे। दूसरा है टेढ़ी लकीर इसमत चौगताई का नफ्सियाती और सवानही नावल है। नंबर तीन, टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालदेन की पहली औलाद है। नंबर फोर, टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चरण है। नंबर फाइव, टेढ़ी लकीर की सुमन रॉफी टेलर के बच्चे की माँ बनती है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और पांचवा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अजीम बख्श चौथाई इसमत के छोटे भाई थे, नहीं इसमत के बड़े भाई थे, आप इसे सही कर लीजिएगा। जो अपने वालदेन की पहली औलाद थी, तो याद रखेंगे अपने वालदेन, सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालदेन की दसवीं औलाद थी, कौन सी थी, दसवीं औलाद, नोट कर लीजिएगा। टेढ़ी लकीर की हीरोइन कौन है, तो वह सुमन नामी लड़की है, आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। टेढ़ी लकीर जो नॉवल है ये इसमें चौथाई ने कब लिखा है, तो याद रखेंगे 1944 ईस्वी में ये नॉवल आपने लिखा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अफसानवी मजमू के एतबार से तादाद मशमूलात शामिल कीजिए। रोशनी की रफ्तार है, अलाव है, रास्ता बंद है, तमाशा घर है। किस अफसानवी मजमू में कितने अफसाने शामिल हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी तरह से देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो रोशनी की रफ्तार में कुल कितने अफसाने हैं, 12 हैं। अलाव में कितने अफसाने हैं, 16 हैं।
रास्ता बंद है कितने हैं, 22 हैं, और तमाशा घर में है 12, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अफसानवी मजमू के एतबार से पहली इशात के सन जोड़िए। वारदात, ठंडा गोश्त, हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, और साथ ही साथ में चोटे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वारदात की पहली इशात जो है कब अमल में आई है, 1938 में, नोट कर लीजिएगा। ठंडा गोश्त की इशात 1950 में, हम वहशी हैं की इशात 1948 में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 में, चोटें 1942 में, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नॉवल उमराव जान अदा में मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? पहला ऑप्शन है खुर्शीद जान, दूसरा है बिस्मिल्ला खान, तीसरा है रामदुई, और चौथा है बुआ हुसैनी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी बिस्मिल्ला खान। उमराव जान अदा जो नॉवल है, ये नॉवल जो है कब लिखा गया है, पहली चीज तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में नॉवल लिखा गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुसार लेने वाले अफसाना निगार कौन है? कृष्ण चंद्र हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं, इंतजार हुसैन हैं, या फिर सआदत हसन मंटो हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इंतजार हुसैन, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यानी इंतजार हुसैन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। कुर्रतुल हैदर ने अपने नॉवलों के उनवानात शोरा के कलाम से अख्ज़ किया है, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सफ़ीने गमे दिल, फैज़ आ फैज़, आखिर शब के हम सफ़र अल्लामा इकबाल, गर्दिशे रंगे चमन मिर्ज़ा गालिब, आग का दरिया जिगर मुरादाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। यानी पहला सही हो जाएगा आपका, और तीसरा भी सही हो जाएगा, और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आखिर शब के हम सफ़र, ये जो उनवान है ये फैज़ अहमद फैज़ के शेर से माखूज है, नोट कर लीजिएगा। किसके शेर से माखूज है? फैज़ अहमद फैज़। क्लियर है सभी को? अब इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सबको मालूम हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, दूसरा है अजीज अहमद, तीसरा है वकार अजीम, और चौथे ऑप्शन में है सैयद एहतशाम हुसैन। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र, हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पाँव में फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू का है, कृष्णचंद्र का है, या फिर प्रेमचंद का है, या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, आपका पहला नावल कौन सा है, आपका पहला अफसाना कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कीजिएगा, 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहले नावल की बात की जाए तो वो है आपका इनकलाब, पहला जो अफसाना आपका है वो है अबाबील, और पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। तनकीदी दबिस्तानों के एतबार से उनके नुमाइंदा नाकदीन के नाम जोड़िए। तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, हयाती तनकीद, उसलूबियाती तनकीद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तासुराती तनकीद के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नियाज फतेहपुरी। ऐसे मार्कसी तनकीद के लिए कौन हो जाएंगे? सैयद एहतशाम हुसैन। नफ्सियाती तनकीद के लिए हो जाएंगे शबीहुल हसन।
और हयाती तनकीद के लिए हो जाएंगे शम्सुर रहमान फारूकी, उसलूबियाती तनकीद के लिए हो जाएंगे गोपी चंद नारंग, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का मतलब तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये किस मुसन्निफ की हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा ज्ञानचंद जैन। क्या नाम बताया हमने, ये सभी जो है ज्ञानचंद जैन की तसनीफात है। अब दीगर किताबों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको जानना जरूरी है, आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, उर्दू के असालिब बयां, काशिफुल हकायक, ये सभी किताबें अहम हैं, इनके मुसन्निफीन के नाम आपको आने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए सभी चीजें सबको क्लियर हो चुकी होंगी आई थिंक, तो अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज अली ओरशी हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं और जमील जालवी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। मौलवी अब्दुल हक की जाए पैदाइश क्या है, तो आप सब नोट कीजिएगा हापुड़ मेरठ। इम्तियाज अली ओरशी की तो हो जाएगी रामपुर, रशीद हसन खां की हो जाएगी शाहजहांपुर, ज्ञानचंद जैन की क्या हो जाएगी, तो ज्ञानचंद जैन की हो जाएगी बिजनौर, और जमील जालवी की हो जाएगी अलीगढ़। नोट कर लीजिएगा जमील जालवी की क्या हो जाएगी, अलीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुसन्निफिन के एतबार से किताबों के नाम जोड़िए। अब्दुल कादिर जुर्जानी है, रशीदुद्दीन वकवात है, शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी हैं, उरूजी समरकंदी हैं, उनसुरुल मआली हैं, अमीर केकाउस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अब्दुल कादिर जुर्जानी की किताब कौन सी है, असरारुल बलागा। ऐसी रशीदुद्दीन वतवात की है हदाइकुस सहर फी दकाइकिश शेर। ऐसी बात की जाए शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की किताब कौन सी है, तो वो हो जाएगी अलमुअज्जम फी माइल अशआरिल अजम। उरूजी समरकंदी की किताब कौन सी हो जाएगी, तो चहार मकाला। उनसुरुल मआली की हो जाएगी काबूस नामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़िल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफीन से जोड़िए। नई तनकीद, अक्स और आईने, अदबी तनकीद, अफसाना और उसकी रवायत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी नई तनकीद किसकी किताब है, तो जमील जालबी की है। अक्स और आईने एहतसाम हुसैन, अफसाना और उसकी गायत, सॉरी अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी। नक्काद का अहम तरीन फरीजा यह है कि वह गैर जानबदारी से काम ले, वह जाती जज्बात रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए, यह बयान किस तनकीद निगार का है। आलम सुरूर का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, उसलूब अहमद अंसारी का है, या फिर मोहम्मद हसन का है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी उसलूब अहमद अंसारी। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तासुराती तनकीद को
तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज़ है, ये बयान किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? एहसास कमतरी यानी इनफ्रियरिटी कॉम्प्लेक्स पर जोर दिया है। एडलर है, फ्रायड है, जोंग है, शबीहुल हसन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर। हाल ही ने शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है? चार ऑप्शन है, चारों का आप रीड कर लीजिए फिर बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मौलाना हाली बहुत अहम नाम है, आपकी पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में, नोट कर लीजिएगा। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें आपकी सवानही तसनीफात हयात सादी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके सामने है यादगार गालिब और भी इम्पॉर्टेंट, यादगार गालिब के साथ साथ में हयात जावेद मजीद इम्पॉर्टेंट। हयात सादी आपने कब लिखी? 1886 में लिखी है। यादगार गालिब कब आपने लिखी? 1897 में लिखी है। और उसके बाद में हयात जावेद कब लिखी है? 1901 में, नोट कर लीजिएगा। हाल ही की गजलों में सेहतमंद अदबी शोर है ये किसका बयान है? हाल ही की गजलों में सेहतमंद अदबी शोर है, तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। सही जोड़ की निशानदही कीजिए, एहतशाम हुसैन गालिब की बुत शिकनी, आलम सुरूर अदब और जिंदगी, कलीमुद्दीन अहमद लफ्ज व माना, मोहम्मद हसन तनकीद क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अदब और जिंदगी किसकी किताब है ये मुझे आप बताइएगा, लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है, और साथ ही साथ में तनकीद क्या है इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कीजिएगा, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी, लफ्ज व माना के मुसन्निफ है शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिएगा। तनकीद क्या है इसके मुसन्निफ है आल अहमद सुरूर, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। ब्राशड अभ्रंश गुजरात में रायश थी, मर्दो मगधी मशरकी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्या हकारत की निगाह से देखते थे। नंबर तीन, उर्दू मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी, मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राचिया कहा करते थे। नंबर चार, महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी सही है आपका और चौथा भी आपका करेक्ट है। ब्राचड अभ्रंश गुजरात में रायश थी, याद रखें गुजरात में नहीं बल्कि सिंध में रायश थी, आप इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा में बोली जाने वाली शोरशिनी अभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 10, 5, 4, 3। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चार, नोट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चार बोलियां, अभी चार बोलियां कौन कौन सी? नंबर एक आपकी हो जाएगी खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, नंबर दो आपकी हो जाएगी राजस्थानी, नंबर दो आप नोट कर लीजिएगा राजस्थानी, नंबर तीन पे आप नोट करेंगे पंजाबी, और नंबर फोर आप लिख लीजिएगा पंजाबी के बाद में गुजराती और पहाड़ी बोलियां, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में दो बयान सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है शोरशिनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। नंबर दो, आला तबके के लोग पाली बोलते थे। नंबर चार, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। नंबर फोर, पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आला तबके के लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे पाली जो है आवाम की जुबान रही है। पाली को जदीद मागधी कहा जाता है? तो नहीं भाई,
पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को बगौर रीड कीजिए, फिर बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में देखिए, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, ये शोरशीनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं, आपने नोट कर सकते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां मशरकी हिंदी की बोलियां हैं, आपने भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में दिए गए बयान को गौर से पढ़िए और सही बयान को कलम जद कीजिए। द्रविड़ी की मशहूर शाखें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं। मसूद हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख 1500 कबले मसीह मुकर्रर की जा सकती है। नंबर तीन, वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। नंबर चार, आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद है, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी आपका बयान सही हो जाएगा। तीसरे बयान में कहा जा रहा है कि वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते, तो याद रखेंगे आर्या हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? मीर तकी मीर का है, मोहम्मद रफी सौदा का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है या फिर दौक का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा के इस शेर को मिसरे सानी से मुकम्मल कीजिए, ये रंजिश में हमको है बे इख्तियारी, तो बताइएगा इसका दूसरा मिसरा क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। है चरख जब से अबल की अयाम पर सवार किसका कसीदा है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा है ज़ौक, तीसरा है सौदा और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, ये कौल किसका है? अब्दुलसलाम नदवी का है, लाला श्री राम का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है या फिर मुसहफी का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी अब्दुलसलाम नदवी। सौदा की नज्मों का तजिया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाजे मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? एहतशाम हुसैन का है, आलम सुरूर का है, कलीमुद्दीन अहमद का है या फिर मोहम्मद हसन अस्करी का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसनवी सहरुल बयान के उनवानात के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। सहरुल बयान की माना क्या है? बयान का जादू। ये किसकी मसनवी है? मीर हसन की, आप नोट कर लीजिएगा। ये मसनवी मीर हसन ने कब लिखी है? तो याद रखेंगे 1784-85 ईस्वी में ये मसनवी आपने लिखी है, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, करूं पहले तौहीद यजदा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तदा मुंदजा बारा शेर से हुई है? बिकट कहानी, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, फूलबन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सहरुल बयान। दर्जन शौरा की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सौदा, दौक, अनीस, दबीर और जमील मजहरी। चलिए सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सौदा के बारे में, तो सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, नोट कीजिएगा, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जौक के बारे में नोट कीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस के बारे में नोट कीजिएगा, 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में नोट कीजिएगा, तो दबीर की पैदाइश हुई है 1803 में दिल्ली में, याद रखिएगा, और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी, जिनका नाम सैयद काजिम अली, 1904 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1979 में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने शताब्दी उठाकर कलम ये तारीख की फारसी में रकम इस शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है, फूलबन, बिकट कहानी, सहरुल बयान, गुलजारे नसीब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। जिस तरह उन्हें बहम मिलाया, बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, मुंतजा वाला शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है, कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, गुलजार नसीम या फिर सहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम, नोट कर लीजिएगा। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दया शंकर नसीम की। ये मसनवी आपने कब लिखी, 1838-39 में, नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमको इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सरीन को लताड़ा है, इमामों और मुश्तहिदों से इख्तलाफ किया, कौम के पके फोड़ों को छेड़ा है और उनकी कड़वी दवा पिलाई है, ये इबारत किस किताब से मुतअल्लिक है, उसके हिसाब से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। हयात जावेद किसकी किताब है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खुद नविश्त इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार शाये हुई। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सौगात, नोट कर लीजिएगा। इस खुद नविश्त में यानी इस आबाद खराबे में रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, शिमला ये चार उनवान कायम किए गए, यानी इसमें कुल कितने उनवान कायम किए गए हैं, चार आप नोट कर लीजिएगा, लखनऊ है, शिमला है, अलीगढ़ है और रामपुर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलम सुरूर ने अपने खुद नविश्त का इंतसाब अपने जिन नवासे और नवासियों के नाम किया है जेल में, उनमें कौन शामिल नहीं है, उर्फी, महताबी, ताबी, रख्शी। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महताबी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए, गुबार खातिर के तमाम खतूत हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे हुए हैं। नंबर दो, गुबार खातिर के तमाम खतूत दिल्ली के तिहाड़ जेल में लिखे गए थे। नंबर तीन, गुबार खातिर को पहली बार हकीम अजमल खान ने मुरतब करके अपने मुकदमे के साथ शाये किया था। नंबर चार, गुबार खातिर में अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि उन्हें वाइट जैस्मिन बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंबर पाँच, अबुल कलाम आज़ाद ने वाइट जैस्मिन का तर्जमा गोरी चंबेली किया है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला बयान आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा और उसके बाद में पांचवा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात की जाए यहाँ पे गुबार खातिर, इसमें वो खतूत शामिल हैं जो किला अहमदनगर में असीरी के दौरान आपने हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे।
हमारे खातिर याद रखिएगा 24 खतूत का मजमुआ है। इसकी पहली इशात अमल में आई है मई 1946 में, ज़रूर याद रखेंगे मई 1946 में इसकी पहली इशात अमल में आई है। हमारे खातिर में सबसे ज़्यादा किस शायर के अशार मिलेंगे, किस शायर के सबसे अशार लिखे गए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब, नोट कर लीजिएगा मिर्ज़ा गालिब के अशार लिखे गए हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है कि चाय का जिक्र मुबारक खातिर के किस खत में किया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा खत नंबर 15 में, नोट कर लीजिएगा खत नंबर 15 में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मजमून और खाका किस मजमू में शामिल है, जोड़िए, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन का सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, नोट कर लीजिएगा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये किस किताब में शामिल है, तो जवाब है ख्यालिस्तामे। गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर ये किस किताब में शामिल है, संगो खिश्त, नोट कर लीजिएगा। लाहौर का जोग्राफिया साइकिल की सवारी ये किस में है, तो ये मजामीन पतरस में। जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का ये किस्में हैं, तो ये हो जाएगा चिराग तले में। कुंदन किस्में शामिल है, तो कुंदन हो जाएगा हम नफसाने रफ्ता। क्लियर हो गया सभी को। ख्यालिस्ता के सबसे पहले हम नफसाने रफ्ता जो है किसकी किताब है, तो याद रखेंगे हम नफसाने रफ्ता खाकों का मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीकी के। ख्यालिस्ता सज्जाद हैदर एल्ड्रम की किताब है। चिराग तले किसकी है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की है। संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर और मजामीन पतरस 11 मजामीन का मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में से लाहौर का जोग्राफिया के जैली उनवान के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अहम है। मुसन्निफीन के एतबार से सने विलादत शामिल कीजिए, सने विलादत के एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो चलिए नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई है, तो 1910 में, नोट कर लीजिएगा। पतरस बुखारी की पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा 1896 ईस्वी में। अहमद जमाल पाशा की हुई है 1929 ईस्वी में। मुश्ताक अहमद यूसुफी की हुई है 1923 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से किसका इंतकाल कब हुआ, जोड़िए, आपको यहाँ पे सने वफात के एतबार से इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब आप नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी में। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल कब हुआ है, तो जवाब है 2018 में। मिर्ज़ा फरातुल्ला बेग का इंतकाल कब हुआ है, 1947 में, नोट कर लीजिएगा। इब्ने ईशा का इंतकाल कब हुआ है, 1978 में। मुश्तबा हुसैन का 1936 में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंगुरबाब किसके मजाहिया मजामीन का मजमुआ है, पहला ऑप्शन है मुश्ताक अहमद यूसुफी, दूसरा है फरातुल्ला बेग, तीसरा है कन्हैया लाल कपूर और चौथा है अजीम बेग चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मजामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था, शौकत थानवी ने, मिर्ज़ा फरातुल्ला बेग ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने या फिर कन्हैया लाल कपूर ने, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने। किताबों की इशात के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था, मीर अमन, मीर बहादुर अली हुसैनी, गिलक्रिस्ट, वेलेजली।
तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जॉन गिलक्रिस्ट। ज़ेल में दिल्ली कॉलेज की मशरिकी शोबा के असातिज़ा के दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली कॉलेज की असातिज़ा के नाम दिए गए हैं, आप पढ़िए और बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तखल्लुस के अतबार से शोरा के नाम शामिल कीजिए, मजमून है, मजहर है, हातिम है, यकीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। यानी मजमून का नाम क्या है, तो आपका मजमून का नाम क्या हो जाएगा, शेख शरफुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम हो जाएगा, शेख शरफुद्दीन। ऐसे मजहर का नाम क्या है, मजहर जाने जा। हातिम का क्या हो जाएगा, शेख जहूरुद्दीन, नोट कर लीजिएगा, शेख जहूरुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। यकीन का क्या हो जाएगा, इनामुल्लाह खां यकीन। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से मुनाकिद होने वाले मकामात के नाम शामिल हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहली कॉन्फ्रेंस पांचवीं कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई, लखनऊ में, नोट कर लीजिएगा। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी, कलकत्ता में, नोट कर लीजिएगा। तीसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। तीसरी और सातवीं हैदराबाद में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चौथी और आठवीं कॉन्फ्रेंस, चौथी और आठवीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो आपका अब यहाँ पे देखिए एक करेक्शन करना होगा, बहुत ध्यान से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तीसरी कॉन्फ्रेंस और जो सातवीं कॉन्फ्रेंस हुई है ये दिल्ली में हुई है, पहले आप इसे नोट कीजिएगा। चौथी और आठवीं जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हैदराबाद में हुई है, और जो छठी कॉन्फ्रेंस हुई है ये आपकी हुई है भिवंडी, मुंबई का एक इलाका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़ेल में से तरक्की पसंद मुसन्निफीन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की, मुल्क राज आनंद ने। तीसरी की सदारत किसने की, डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। साथ ही साथ में छठी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की, डॉक्टर बिलास राम बिलास शर्मा ने। और इसी के साथ साथ में सातवीं की सदारत किसने की, तो सातवीं की सदारत की कृष्ण चंद्र ने, नोट कर लीजिएगा। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तरक्की पसंद अदीबों ने 1936 में लखनऊ से अपना कौन सा रिसाला शाये किया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप इसका जवाब नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी नया अदब। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, रोमानवी तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक है, हल्के अरबाब दौक है, तरक्की पसंद तहरीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा। मीर की पैदाइश आगरा में हुई और सौदा की दिल्ली में हुई, लेकिन दोनों का इंतकाल कहाँ हुआ है, लखनऊ में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में कौन तमाम फलसफों नज़रियों की हुदूद तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। तहरीक यानी तरक्की पसंद तहरीक के पहले पांच साल अदबी अहमियत से ज्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, किसका कौल है, मोहम्मद हसन का है या फिर आला अहमद सुरूर का है
या सज्जाद जहीर का है या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरू। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद शौरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो सही सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक के वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद। मजरूह के वालिद का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा मोहम्मद हसन खां। ऐसे कलीम आजिज़ के वालिद का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा शेख किफ़ायतुल्ला। शहरयार के वालिद का नाम क्या है, कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम है सलमान अहमद हिलाली। ज़ेल में चंद शौरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। हसरत, फ़ानी, जिगर, असगर, यगाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ज़ुमरा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हसरत के असातिज़ा का ज़ुमरा कौन सा है, तो वो हो जाएगा तस्लीम। फ़ानी के असातिज़ा का ज़ुमरा है वहीदुल्ला खान। ऐसे ही जिगर के असातिज़ा का ज़ुमरा कौन सा हो जाएगा, अली नज़र, दाग, मुंशी और अमीरुल्ला तस्लीम। असगर के असातिज़ा का ज़ुमरा है खलील वजद बलग्रामी, मुंशी अमीरुल्ला तस्लीम। यगाना के असातिज़ा का ज़ुमरा है बेताब अजीमाबादी और शाद अजीमाबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़िल में चंद शौरा के नाम और उनके साले वफात दर्ज हैं, नाम के एतबार से साले वफात जोड़िए। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी फिराक की साले वफात क्या है, तो जवाब हो जाएगा 1982 ईस्वी। मजरूह सुल्तानपुरी का इंतकाल कब हुआ, 2000 ईस्वी में। ऐसे ही कलीम आजिज़ का इंतकाल कब हुआ, 2015 में। शहरयार का इंतकाल कब हुआ, 2012 में। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ है 2004 में। नोट कीजिए, ज़िल में चंद शौरा के नाम और उनके साले पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का मतलब क्या, यानी असगर की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में। मजरूह की पैदाइश कब हुई है ये आपको बताना है, तो मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में। कलीम आजिज़ की पैदाइश कब हुई, 1926 में। शहरयार की पैदाइश कब हुई है, तो शहरयार की नोट कीजिएगा 1936 में। इरफान सिद्दीकी की 1939 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ज़ेल में चंद शौरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिराक का नाम क्या है, तो फिराक का नाम हो जाएगा रघुपति सहाय। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या है, तो असरारुल हसन। नोट कर लीजिएगा असरारुल हसन। करीम आजिज़ का नाम क्या है, कलीम अहमद। और शहरयार का नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। इरफान सिद्दीकी मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। ज़िल में चंद शौरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज है, तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए नहीं, बल्कि यहाँ पे तखल्लुस के एतबार से असल नाम जोड़िए, असातिज़ा यहाँ से हटा दीजिए, तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए, सिर्फ इतना कर दीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हसरत का असल नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा सैयद फजलुल हसन। फ़ानी का नाम क्या है, शौकत अली खां। जिगर का नाम है अली सिकंदर। असगर का नाम है असगर हुसैन। यगाना का नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। ज़िल में चंद शौरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, उन्हें जोड़िए। वालिद के नाम भी आपको जानना ज़रूरी है।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है, सैयद अजहर हसन। फ़ानी के वालिद का नाम क्या है, शफात अली ख़ान। जिगर के वालिद का नाम क्या है, अली नज़र, नोट कर लीजिएगा। असगर के वालिद का नाम क्या है, तो मुंशी तफजुल हुसैन। ऐसे यगाना के वालिद का नाम क्या है, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। ज़िल्म चंद शोरा के नाम और साले वफात दर्ज हैं, नाम के अतबार से साले वफात जोड़िए। हसरत, फ़ानी, जिगर, असगर, यगाना। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हसरत का इंतकाल कब हुआ है, 1951 में। फ़ानी का इंतकाल कब हुआ है, इसे भी नोट कीजिएगा, फ़ानी का हो जाएगा 1941। असगर गोंडवी का क्या हो जाएगा, जिगर मुरादाबादी का हो जाएगा 1960, और असगर गोंडवी का हो जाएगा 1936, और उसके बाद में बचे हमारे पास में यगाना यानी 1956। ज़िल में चंद शोरा के नाम और साल पैदाइश दर्ज है, नाम के अतबार से साल पैदाइश जोड़िए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हसरत की पैदाइश 1880-81 में। फ़ानी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा, 1879 में हुई है। और जिगर की पैदाइश कब हुई है, तो जिगर की पैदाइश हुई 1890 में, नोट कीजिएगा। असगर की पैदाइश कब हुई, 1884 में, नोट कीजिएगा। यगाना की पैदाइश कब हुई है, तो यगाना की पैदाइश भी 1884 में, नोट कर लीजिएगा। ज़िल्म चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी वली के उस्ताद कौन है, तो वली के उस्ताद हो जाएंगे शेख नूरुद्दीन। मीर के हो जाएंगे खान आरजू, और गालिब के कौन हो जाएंगे, शेख मुआज़्ज़म और अब्दुल समद, नोट कर लीजिएगा। मोमिन के उस्ताद कौन हो जाएंगे, तो शाह नसीर हो जाएंगे, और शाद के उस्ताद कौन हो जाएंगे, शाह उल्फत हुसैन फरियाद, नाजिर वजीर अली इब्रती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारीफात के हिसाब से असनाफ़े सुखन के नाम शामिल कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक तारीफ एक एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। क़िता की तारीफ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, रुबाई की तारीफ, वासोख, रेखती, शेरा अशोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ऐसे सिर्फ जिसमें चार मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है, आगे पूरा पढ़ सकते हैं, ऐसे सिर्फ जिसमें चार मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका हो जाएगा रुबाई। ऐसी नज्म जो मजमून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गजल और कसीदे की तरह मतलाना हो, बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया हों, तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी, क़िता की तारीफ हो जाएगी, जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की जुबान और मुहावरे में किया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। तो रेखती। महबूब को जली कटी सुनाने वाली सिंफ कौन सी है, तो वो है वासोख्त। किसी मुल्क की तबाही बर्बादी का जिसमें दर्द मंदाना अंदाज में बयान हो, वह कौन सी सिंफ है, तो वो है शहर आशोब, नोट कर लीजिए। तारीफात के अतबार से असनाफ के नाम शामिल किए गए हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। हाइको किसे कहते हैं, तराइले क्या है, गीत क्या है, रिपोर्टाज क्या है, तबसरा क्या है, सभी के बारे में यहाँ पे मुख्तसरन इस क्वेश्चन में कवर किया गया है। ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एग्जाम में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मौसीकियत की फरावानी होती है, तो ये हो जाएगा आपका गीत। तीन मिसरे हों और 17 अरकान हों, तो तीन मिसरे और 17 अरकान, ये हो जाएगा हाइको। ऐसा मुख्तसर नविश्ता जो किसी किताब को आमकारी से मुतारिफ कराने की गर्ज से लिखा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, तबसरा, नोट कर लीजिएगा। आठ मिसरों पर मुश्तमिल, तो आठ मिसरों पर हो जाएगा आपका तराइले। किसी वाक्य की खबर या रिपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टाज, नोट कीजिएगा।
ज़िल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं। सही जोड़ की निशानदही की जो वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, शाद हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी वली के वालिद का नाम क्या है, शरीफ मोहम्मद। मीर के वालिद का नाम है मोहम्मद अली। और गालिब के वालिद का नाम क्या है, तो गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग। मोमिन के वालिद का नाम क्या है, ग़ुलाम नबी खां। और शाद के वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्ज़ा। ज़िल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और तारीख़ वफ़ात दिए गए हैं। नाम के अतबार से तारीख़ वफ़ात जोड़िए, वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी वली की तारीख वफात क्या हो जाएगी, ऐसे मीर तकी मीर की क्या हो जाएगी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गालिब की क्या हो जाएगी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मोमिन की क्या हो जाएगी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और शाद की क्या हो जाएगी, इसे भी आप नोट कीजिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से असातिज़ा को शामिल कीजिए, फराग गोरखपुरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कलीम आजीज, शहरयार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी फराग गोरखपुरी तो आप मैच कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो ज़ौक हो जाएंगे, कलीम आजीज, अख्तर ओरेनवी, शहरयार तो शहरयार के कौन हो जाएंगे, आल अहमद सुरूर, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और तारीख पैदाइश दिए गए हैं। नाम के अतबार से तारीख पैदाइश जोड़िए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। आपका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी वली की पैदाइश 1722-23 में। क्या ये सही हो जाएगा, सोच के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, 1722-23 में नहीं बल्कि 1668 में। मीर की हो जाएगी 1722-23 में, नोट कर लीजिएगा, मीर की हो जाएगी। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में, मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में, और शाद की पैदाइश कब हुई जल्दी से बताइए, 1846 ईस्वी में। ज़िल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और तखल्लुस दिए गए हैं। तखल्लुस के अतबार से नाम जोड़िए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वली का असल नाम क्या है, तो वली का नाम क्या हो जाएगा, तो पहले आप इसका जो है आंसर नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी वली का नाम क्या है, तो वली का नाम है वली मोहम्मद। ऐसे मीर का नाम, गालिब का नाम, मोमिन का नाम, शाद का नाम क्या हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। ज़िल में चंद शोरा के नाम और उनके जाय पैदाइश दर्ज हैं। नाम के अतबार से जाय पैदाइश जोड़िए, मोमिन, हसरत, जिगर, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मोमिन की पैदाइश कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है। हसरत की कहाँ हुई है, तो हसरत की हुई है कस्बा मोहान में। जिगर मुरादाबादी की कहाँ हुई है, तो जिगर मुरादाबादी की मुरादाबाद में हुई है। मजरूह सुल्तानपुरी की कहाँ हुई है, तो मजरूह सुल्तानपुरी की हुई है आज़मगढ़ में। कलीम आजीज़ की कहाँ हुई है, नालंदा में। और शहरयार की कहाँ हुई है, बरेली में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़िल में से कौन सा गज़ल का ज़ुमरा किस शायर का है जोड़ी, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। फिराक के अशार हैं, मजरूह के अशार हैं, शहरयार के, इरफान सिद्दीकी के, कलीम आजिज के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल में से कौन सा गज़ल का ज़ुमरा किस शायर का है जोड़िए, हसरत, जिगर, असगर, फ़ानी, यगाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो लोग भी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जो इस बार का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो इस तरह की क्लास को आप रेगुलर अटेंड कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल सकते हैं, कम से कम ये जो फैक्ट हैं नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।
इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, मिनिमम अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस क्लास की रीच, इस चैनल की रीच और भी लोगों तक हो सके। और हमारी जो मेहनत होती है इस क्लास के लिए, आप सबके लिए बहुत मेहनत होती है, ये आसानी के साथ में क्लास प्रिपेयर नहीं होती है, तो आप सभी लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।